इस समय इंटरनेट पर ताइवान फिर से ट्रेंडिंग में है। इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया साइट्स या चाहे ट्विटर हो या अन्य साइट्स हो, ताइवान की खूब चर्चा होती रही। कारण आप भी जानते हैं, चीन और अमेरिका की दखलंदाजी। अमेरिका लगातार ताइवान की संप्रभुता की बात करता है, स्वतंत्र ताइवान की बात करता है, तो चीन वन नेशन वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, जिसमें वो ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है। इस समय भी ताइवान को लेकर दुनिया के दो बड़े देश, दो महाशक्तियां आपस में टकराने को तैयार दिख रही हैं। दुनिया के सामने, दुनिया के तमाम देशों को ऐसा लग रहा है, क्या आपस में ये दो देश ताइवान के नाम पर लड़ सकते हैं? नमस्कार, स्वागत आपका India.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, और इस मुद्दे पर, ताइवान में अमेरिका की क्या दखल है और चीन चाहता क्या है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और इस बात पर विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, मेजर अमित बंसल, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू देवेंद्र जी। नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती हैं, और नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद ड्रैगन नाराज हो जाता है, और उसके बाद उसने तमाम तरह से संकेत देना शुरू कर दिया है कि ये कदम अमेरिका का उसे नागवार गुजरा है, जिसमें 21 फाइटर जेट्स को भेजता है दक्षिण पश्चिमी ताइवान के ऊपर, और साथ ही साथ अपनी सेना के तमाम धड़ों को, चाहे वो नौसेना हो, थल सेना हो या वायुसेना हो, उसको लगा देता है रिहर्सल पर। इसका क्या संकेत जाता है, अगर मैं पहला सवाल यही करूँ तो? देवेंद्र जी, इसका कोई भी संकेत नहीं जाता है। जहाँ तक हम बात करते हैं चीन के हवाई जहाजों के द्वारा ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन करने की जी, तो इसकी घटनाएं आप आमतौर पर, अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान में नहीं भी होती जी, तब भी महीने में 4-5 इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जहां चीन के फाइटर जेट ताइवान स्टेट में मीडियन लाइन का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि चीन उस इलाके को मानता ही नहीं है। चीन ने जो अपना एयर जोन बनाया हुआ है, जो अपनी एयर स्वाभाविक सीमा निर्धारित की हुई, पूरे ताइवान के ऊपर है। ओके। और ये जो ताइवान की सीमा है, ये कहीं भी किसी भी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप इसको कहीं भी किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि चीन ने ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन किया। और दूसरी बात, चूंकि ये घटनाएं बार बार होती रही हैं, लगातार महीने में 4-5 बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, और इसको हम नैन्सी पेलोसी की विजिट से नहीं जोड़ सकते। ओके। लेकिन नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद चीन ने ताइवान के चारों ओर जो फायर ड्रिल की है, और मिलिट्री ऑपरेशंस कह सकते हैं, या मिलिट्री टारगेटेड मिलिट्री प्रैक्टिस कह सकते हैं, उसने ये संकेत देना शुरू कर दिया है, अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया है कि आप दूर रहिए ताइवान से, वरना ये ताइवान पर हमला या ताइवान को कब्जे में लेने का जो औपचारिक प्रयास था उसका वो शुरू कर सकता है। देखिए देवेंद्र जी, हम इसमें दो बातों पर गौर करेंगे जी। पहली बात तो, क्या चाइना सीधे सीधे यूएस के साथ में लड़ाई कर रहा है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना लगातार अपनी बात कहता आ रहा है। 1979 में जब अमेरिका ने अपना डिक्लेरेशन दिया था, उस वक्त में भी अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था जी। अमेरिका ने कहा था कि हाँ भाई, हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली ताइवान के ऊपर चाइना के कंट्रोल को, चाइना के नियंत्रण को स्वीकार किया था। यही कारण है कि आज जो राजनयिक, अमेरिका के राजनयिक ताइवान में तैनात हैं, उनको कहीं से भी ऑफिशियल नहीं माना जाता। ताइवान में जो अमेरिका का ऑफिस है, वो कहीं से भी दूतावास नहीं है जी, और वो उसको इस तरह से हैंडल करते हैं ताकि वो कहीं से भी लगे ना ऑफिशियली कि ये एक दूतावास है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बात आती है लड़ाई की और चाइना की लाइव फायर ड्रिल की, अमेरिका ने किसी ना किसी तरीके से एक मॉरल विक्ट्री हासिल की है नैन्सी पेलोसी को ताइवान में भेज करके। तो इसने क्या संदेश देना चाहा कि मैंने नैन्सी पेलोसी को भेज दिया, इसका मतलब मैं ताइवान के साथ हूं जी। अब चाइना इसके चारों तरफ लाइव फायर ड्रिल करेगा, एक्सरसाइज करेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, और अपनी सैन्य शक्ति को दिखाएगा और कहेगा हाँ भाई, मैंने भी अपने आप को दिखा दिया, और अगले एक हफ्ते या 10 दिन के बाद चीन भी डिक्लेयर करेगा कि हाँ भाई, मैंने अपनी इस प्रकार से एक्सरसाइज करके, अपना मिलिट्री शो ऑफ दिखा करके, लाइव फायर एक्सरसाइज करके, मैंने भी अपनी मॉरल विक्ट्री हासिल कर ली जी। तो आज से 15 दिन पहले जो स्टेटस को था, आज से 15 दिन बाद ही लगभग उसी प्रकार का स्टेटस को होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता किसी तरह की लड़ाई के बादल हैं, किसी तरह के वॉर की सिचुएशन बन रही है, लेकिन अभी ये जो पहले सिचुएशन थी स्टेटस को, उसके बाद भी 15-25 दिन के बाद लगभग इसी प्रकार का स्टेटस को हो जाएगा। दोनों पार्टियां, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, दोनों अपनी अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हाँ, हमने अच्छा काम किया और हमने अपना नियंत्रण, अमेरिका कहेगा हमने ताइवान के ऊपर अपना समर्थन देकर के मॉरल विक्ट्री हासिल की जी, चाइना कहेगा हमने ताइवान के चारों तरफ एक्सरसाइज करके
ये जता दिया कि हाँ ताइवान हमारा हिस्सा है जी, और हम ताकतवर हैं इस क्षेत्र में। हम ताकतवर हैं जी। लेकिन आपने एक बात कही कि अमेरिका ने इससे पहले चाइना की जो नीति थी उसको एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं ताइवान पर चाइना के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। जी हाँ, लेकिन अभी आज भी जो अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड है जी, अमेरिका कहीं नहीं कह रहा है कि वो ताइवान एक देश है जी, ये केवल एक विजिट है। ओके, और वो कह रहा है कि ताइवान को हम समर्थन दे रहे हैं, बट उसने कहीं ये भी नहीं कहा कि हम ताइवान पर चीन के एक अधिकार को मना कर रहे हैं। एक भी स्टेटमेंट अमेरिका के अधिकारियों का 1979 के बाद से आज तक नहीं आया है, आज तक भी नहीं आया है, जहां तक उन्होंने जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हम चीन के ऊपर, हम ताइवान के ऊपर चीन के अधिकार को नहीं मानते हैं, इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं। और 1979 में उन्होंने इसी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर दस्तखत किए थे। ओके, लेकिन इस दौरान जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती हैं तो उनकी तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो, जैसा कि मेजर अमित बंसल ने कहा कि कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल इस तरह का नहीं आया कि ताइवान को अलग देश मानते हैं, अमेरिका की तरफ से बयान आया कि नैन्सी पेलोसी मानवाधिकारों की स्थिति का जायजा या स्थिति का आकलन करने गई हैं। तो आखिर किस मानवाधिकार की बात कर रहे हैं वो? क्या चाइना से, क्या वो इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि चाइना वहां पर किसी प्रकार के मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, मानवाधिकार का हनन कर रहा है? देवेन जी, नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज करके जी, जो बिडेन ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। ओके, पहली बात, नैन्सी पेलोसी कौन है? अगर हम उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं तो नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक पार्टी की एक बड़ी नेता हैं जी, और काफी वरिष्ठ हैं, 82 वर्ष की हैं और 40 वर्ष से ज्यादा का उनको राजनीतिक अनुभव है जी, और वो जो बिडेन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में नंबर दो पर आती हैं। ओके, लेकिन जहां तक सरकार की बात है, जहां तक अमेरिकी सरकार की बात है और अमेरिकी सरकार की नुमाइंदगी की बात है, उसमें नैन्सी पेलोसी कहीं भी नहीं आती हैं, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो केवल संसद की स्पीकर हैं जी। तो अगर वो जाती हैं तो शी कैन गो इन ताइवान इन हर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी। तो कहीं भी आप ये नहीं ब्लेम कर सकते कि जो बिडेन ने उनको सरकार का हिस्सा बना करके भेजा है या अमेरिकी सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने उनको विजिट किया है। ओके, तो ताइवान में जो विजिट है ये किसी अमेरिकी सरकार के नुमाइंदे की विजिट नहीं है जी। जी, इसको आप अगर, क्योंकि अभी मैं समझता हूं दोनों जगह से हालत है, अभी हमने जैसे कहा कि दोनों पक्ष अपनी पीठ थपथपाएंगे, तो दोनों पक्षों के पास एक बात भी है, अगर नैन्सी पेलोसी के ताइवान में जाने से हालात बिगड़ते हैं तो जो बिडेन के पास ये कहने का मौका होगा कि भाई नैन्सी पेलोसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो तो स्पीकर हैं और अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में गई थी, तो जो स्टेटमेंट है वो उनके इंडिविजुअल है जी। लेकिन अगर उनके ताइवान में जाने से कुछ अमेरिका को फायदा होता है तो जो बिडेन फिर अपनी पीठ थपथपाएंगे, ये कहेंगे कि नैन्सी पेलोसी चूंकि डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है जी, तो उनके जाने से जो क्रेडिट मिलेगा वो बिडेन लेने से तो क्रेडिट भी लेंगे वो और नुकसान भी उनके पल्ले नहीं पड़ेगा जी। तो इस प्रकार से उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं जी। अब हम बात करते हैं कि आखिर ताइवान, जब ताइवान अपने आप को संप्रभु देश मानता है तो चीन क्यों उस पर अपनी दखल या अपनी उसे अपना अपने देश का हिस्सा मानता है? इसकी अगर हम बारीकियों में जाएं, इसकी गहराइयों में जाएं, तो उसके पीछे आर्थिक और जो समुद्र की स्थिति है कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप इससे पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं जिसमें आपने कहा था कि वो जो रूट है, सी रूट है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों को लगता है कि ये फ्री ट्रेड रूट होना चाहिए, लेकिन चाइना चाहता है कि वो जब ताइवान उसके कब्जे में होगा तो साउथ चाइना सी या जो सी रूट है उस पर उसका नियंत्रण होगा और उसके लिए वो सर्टेन पैसे वसूल करेगा, फीस वसूल करेगा, उसका फ़ायदा उठाएगा। देखिए देवेन जी, ये जो ताइवान का मुद्दा है जी, जहाँ तक हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं, ओवरऑल साउथ चाइना सी की बात जी, तो उसमें जो 9-डैश लाइन है, 10-डैश लाइन है चाइना की जी, इसके ऊपर हम बात करते हैं तो वो एक अलग मुद्दा है ऑल टुगेदर जी। वो मुद्दा है चाइना के और साउथ चाइना सी के स्पेशल मैरिटाइम इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ताइवान की जी, तो ताइवान और चीन के जो संबंध हैं वो आज के नहीं खराब हैं जी। चीन में पहले जो शासन था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चाइना का जी, वो बाद में जब चूंकि जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टियों ने के लोगों ने अपना असर उठाया और उन्होंने धीरे धीरे जो सत्ता में अपने आप को सत्ता में आए, तो जो चीन के उस समय के शासक थे, उस समय के जो शासक थे कुओमिंतांग, वो ताइवान में शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपनी सत्ता बनाई जी। ताइवान में रह करके वो कहते हैं कि पूरा चीन मेरा है, क्योंकि सत्ता उस समय चीन की ताइवान से चल रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट कहते हैं नो, ताइवान हमारा है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्यूट है, ये इकोनॉमिक नेचर में नहीं है। ओके, ये तो केवल ऐसा है सुप्रीमेसी वर्चस्व की लड़ाई है। चीन कहता है कि चूंकि ताइवान में पहले हमारे जो रूलर्स थे कुओमिंतांग वो शामिल रहते, तो हम ताइवान को अपने अंदर शामिल करेंगे और ताइवान हमारा अभिन्न हिस्सा है जी। ताइवान कहता है कि नहीं, चूंकि ताइवान के जो रूलर थे वो चाइना के ऊपर पहले राज कर रहे थे, तो इसलिए चाइना पूरा हमारा हिस्सा है। ओके, तो ये जो डिस्प्यूट है ये वर्चस्व की लड़ाई है, तो ये किसी भी तरह से
आर्थिक लड़ाई या किसी और प्रकार की लड़ाई नहीं है। ओके, तो वर्तमान में जो ताइवान का शासन है, सरकार सत्ता में जो भी पार्टी है, जो भी नेता है, उनका क्या इसी तरह का मानना है कि चाइना पर हम शासन कर रहे हैं, चाइना हमारा हिस्सा है? अब जब से ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी आई है, जब से ताइवान के अंदर हालात सुधरे हैं पिछले कुछ दशकों में, तो इस तरह का स्टैंड नहीं है। तो अब ताइवान केवल इतना चाहता है कि उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक सेपरेट कंट्री के तौर पर रिकॉग्निशन मिले और वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से रह सके। जी, ताइवान में 2,36,00,000 लोग रहते हैं, यानी ताइवान का जो पॉपुलेशन है 2,36,00,000 है, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमी की, लगभग 1.5 ट्रिलियन है और ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जा सकती है विश्व के स्तर पर, क्योंकि 1.5 ट्रिलियन की इकॉनॉमी वाले देश बहुत कम है। और एक बहुत मेजर फैक्टर भी यहाँ पर उसका जिक्र हमें करना चाहिए कि ताइवान दुनिया भर के जो चिप सप्लायर हैं उनमें से 50% हिस्सेदारी ताइवान की है। तो अगर ताइवान में किसी भी प्रकार की अस्थिरता होती है, चीन जैसा दिखा रहा है अभी, अगर उसकी तरफ से कोई आक्रामक रुख अपनाया जाता है, तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ताइवान की स्थिरता का बहुत बड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है। जी हाँ, पहले तो मैं देवेंद्र जी आपको बता दूं कि जो पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर मार्केट है, जी चिप मार्केट है, जी वो डायरेक्टली 50% और इनडायरेक्टली लगभग 65%, 65% जो उसका हिस्सा है वो ताइवान के पास है इनडायरेक्टली। ओके, तो उसको देखते हुए अगर ताइवान के ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट आता है जी, तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी जी, और ये तय है, बट ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर है। ओके, आप ही समझिए इस बात को, अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है जी, जो कि अमेरिका चाहता है कि मैं ताइवान को एक स्केप गोट के तौर पर इस्तेमाल करूं, मैं ताइवान को आगे बढ़ाऊं और इस तरह का प्रोवोकेशन करूं, एक्टिव प्रोवोकेशन करूं, ताकि चाइना को ताइवान के ऊपर हमला करने का मौका मिले। ओके, और जैसे ही ताइवान के ऊपर चाइना हमला करेगा, अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका चाइना के ऊपर उस प्रकार की सैंक्शंस लगाएगा जैसे उसने रशिया के ऊपर लगाई हैं जी, वो उसको रेप्लिकेट करेगा। रशिया चूंकि इन सैंक्शंस का पिछले कई सालों से, 8 साल से 10 साल से तैयारी कर रहा था, और रशिया की इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द ग्लोबल इकोनॉमी जी, रशिया की इकोनॉमी जो है वो प्लस इकोनॉमी है, कैश प्लस इकोनॉमी है, तो वो सर्वाइव कर गए थे। लेकिन चूंकि चाइना की इकोनॉमी इज डिपेंडिंग हैविली ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, चाइना की जितनी भी इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड है, तो अगर चीन के ऊपर इस प्रकार के सैंक्शंस लगते हैं ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए, तो चीन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, जो कि चीन नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका चाहता है जी। तो जो मैं समझ पाता हूं उस पूरे घटनाक्रम को, मुझे लगता है कि अमेरिका चाइना को प्रोवोक कर रहा है, लेकिन चाइना क्या करना चाहिए, चाइना कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, कुछ आक्रामक शक्ति प्रदर्शन करेगा, कुछ शक्ति प्रदर्शन करेगा, कुछ अपने चेस्ट थंपिंग करेगा, और फिर बाद में ये डिक्लेयर करेगा कि हाँ भाई हमने मॉरल विक्ट्री अचीव कर ली जी, एंड देन स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड जी। तो ओवरऑल अगर हम इस डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकालें मेजर अमित बंसल की बातों को सुनने के बाद, तो ये है कि अमेरिका चाहता है कि ताइवान में अस्थिरता बढ़े। और कितने दिलचस्प बात है कि जो नैन्सी पेलोसी इस समय मानवाधिकारों का हालचाल लेने पहुंची है ताइवान में, वही उन्हीं का देश ये चाहता है कि ताइवान में अस्थिरता फैले, और चीन ये नहीं चाहता है, क्योंकि चीन को ये पता है, जैसा कि मेजर अमित बंसल ने कहा, कि ग्लोबल इकोनॉमी पर उसकी निर्भरता उसको धराशायी कर देगी। आप देख रहे थे ये डिस्कशन india.com पर, लगातार बने रहिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चलते चलते मेजर अमित बंसल का हम धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने समय निकाला हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू।